क्या रिश्ते में इज्जत प्यार और तारीफ की कमी भी गैर वैवाहिक संबंधों का कारण बन सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कारण बन सकती है? आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए चंद लम्हों का वक्त निकाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे टॉपिक के साथ कि जब आप अपने जीवन साथी का, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे रिश्तों में हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ़ नहीं करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, और बहुत सारी वाइफ्स होती हैं जो अपने हस्बैंड की इज्जत या तारीफ़ नहीं करती हैं, वहाँ पे ना चाहते हुए भी धीरे 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 कहीं और ताल्लुकात डेवलप होने लग जाते हैं। और ये जिन ताल्लुकातों की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये ताल्लुकात, ये रिश्ते सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी नहीं होता कि ये रिश्ते शारीरिक संबंधों तक पहुँचे। बहुत सारे गैर वैवाहिक शादी संबंधों में भी, शारीरिक संबंधों में भी पहुँच जाते हैं। बहुत बार ये क्या होता है कि ये इमोशनल रिश्ते कहीं और भी डेवलप हो जाते हैं। एक सिंपल सी बात है, हम जब से पैदा होते हैं ना, हम एक इंसान के तरीके, हमें ना इज्जत हमें कोई दे, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी कोई तारीफ करे, हमें कोई कहे कि आप ये अच्छा काम करते हैं। मान लीजिए आप अभी एक मर्द हैं और आप अपनी वाइफ की, उन्होंने कुछ काम किया, उन्होंने आपको खाना खिलाया है, यार भले ही आपको लगता हो उनका फ़र्ज़ है, मगर वो अपना फ़र्ज़ बहुत दिल से निभा रही हैं। इस बात की अगर आप उनकी तारीफ़ करते हैं, वो कभी अच्छी दिख रही हैं, आप उनकी इस बात पर तारीफ़ कर रहे हैं, उनमें बहुत सारी खूबियाँ और भी होती हैं ज़िंदगी में, आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों को, आप उनको अप्रिशिएट करते रहते हैं, आप उनसे प्यार से इज्जत से बात करते रहते हैं। उसी तरीके महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने मेल पार्टनर के साथ, आप अपने हस्बैंड के साथ बड़े इज्जत और प्यार से बात करते रहते हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करते रहते हैं, तो क्या होता है, हमें ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यार ब्रेन्स आर वायर्ड दैट वे, हमें अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर हमें अपने घर से नहीं मिलती है ना, तो हम उस तारीफ या उस प्यार को पाने के लिए कई बार बाहर देखने लग जाते हैं। और आज का जो ज़माना है ना, जिसको हम कहते हैं कि करीब करीब हर कोई सोशल मीडिया पे है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोगों के कुछ गैर संबंध जुड़ने लग जाते हैं, और उन संबंधों के पीछे कई बार शारीरिक भूख तो होती नहीं है, वो भूख होती सिर्फ और सिर्फ इज्जत की, वो भूख होती है प्यार की, वो भूख होती इमोशनल केयर की, कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे भी कोई प्यार करता है, मुझे कोई इज्जत करता है, मुझे कोई चाहता है। हम हर कोई, चाहे मेल या फीमेल, हम हमेशा से चाहते हैं कि हमारी कोई तारीफ करे और हम किसी की चाहत हों। मगर ये जानने के बाद भी हम अपने शादीशुदा जीवन में इस ज्ञान को पता नहीं कहाँ भूल जाते हैं, और फिर वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो हम हरगिज़ नहीं चाहते। ना चाहते हुए भी आपके साथी के पांव कहीं ना कहीं बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, चाहे तो सिर्फ व्हाट्सएप की चैट्स हों या किसी दिन जाके फिज़िकली मिलना और उसके बाद फिज़िकली शारीरिक संबंधों में इन्वॉल्व होना हो। आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को मधुर बनाने के लिए, अपने रिश्ते में प्यार की ताकत और रंग भरने के लिए, चाहे आप कितना भी कहें कि मैं तो उनको बहुत दिलो जान से प्यार करता हूँ, मगर आपका बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका, आपका उनसे डील करने का तरीका अगर वो जाहिर नहीं करता ना, तो आपका वो दिल से प्यार शायद एक तरफ धरा रह जाएगा और उनका ध्यान, उनकी चाहत कहीं और निकल जाएगी। तो अपनी ज़िंदगी को बचाइए, आज अपने इस भाई की इस विनती को मानिए। आज मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, आज मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, अपने साथी की इज्जत करना सीखिए, अपने साथी को प्यार करना सीखिए, उनकी छोटी छोटी चीज़ों की अप्रिसिएशन सीखिए। और ये याद रखना, ये अप्रिसिएशन सच्ची होनी चाहिए और दिल से होनी चाहिए, बिकॉज झूठी तारीफ़ें ना सामने वाले को भी पता लग जाती होती हैं, और वो झूठी तारीफ़ें बहुत लंबा टाइम चला नहीं करती। और अगर आप गौर से देखेंगे ना, आपके साथी के अंदर यदि आपको लगता है कि इतनी सारी कमियां हैं ना, तो अगर आप गौर से देखेंगे आपको इतनी सारी खूबियां भी नजर आ जाएंगी।
फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि हम कमियों को देखते रह जाते हैं, उससे शायद 10, 20, 50 गुना ज़्यादा खूबियाँ भी हैं उनमें, हम वो नहीं देखते हैं। और बाहर वाले में कहीं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बाहर वाले में हम सिर्फ और सिर्फ खूबियां देख रहे होते हैं। बिकॉज ऊपर से जब वो हमसे बात करने लगता है तो हमारी बड़ी तारीफें, बड़े प्यार से बात करने लगता है ना, तो हमें वो बहुत अच्छा अच्छा लगने लग जाता है। सो यहाँ से जिसको कहेंगे कि यहाँ से ध्यान भंग हो के ध्यान वहाँ पर लगना शुरू हो जाता है। अपने घर को बचाइए, अपने पार्टनर को इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए, तारीफ कीजिए, और फिर देखो ये जादू कैसे चलता है। अपने भाई के लिए दुआएं निकलने लगेंगी अपने दिल से, अपने आप, आपके दिल से अपने आप ये दुआएं निकलेंगी। और इसी तरीके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए, और यदि आपको अच्छे लगते हैं तो इनको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि किसी और की ज़िंदगी भी बदल सके। कीप इन्जॉयिंग ग्रेट सेक्स लाइफ।